हेलो गाइस, मैं टैग ब्यूटी ब्लॉग से। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपको ग्रीन मैजिक कप बनाना सिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारे ग्रीन मैजिक कप है। तो सबसे पहले हमें एडिटिंग करनी है। चलो दिखाते हैं हम आपको एडिटिंग कैसे की जाती है। तो गाइस, एडिटिंग आपको ये बताएंगे कि एडिटिंग कैसे की जाती है, तो बने रहिएगा वीडियो में। हेलो गाइस, आज हम तुम्हें दिखाते हैं व्हाट्सएप पे जब कोई फोटो भेजता है ना, तो उसकी एडिटिंग कैसे की जाती है फोटो की, जो हम कप पे लगा सके। आ जाओ, डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे। ये जितने भी आपके पास फाइल आई हैं, इन सबको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये आपको डाउनलोड, यहाँ से आपको डाउनलोड मिल जाएगा। आपको यहाँ डाउनलोड पे जाके आपके पास ये दो फाइल है और एक फाइल और थी इनकी, ये वाली। तो ये तीनों फाइल है, तो इन तीनों फाइलों को सेलेक्ट करके हम इसको फोटो देखो, ये सब हमारे फोटो यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें इनको क्रॉप कर लेना है, जो फालतू की चीज़ें होती है उनको हटा लेना है। ये क्रॉप टूल होता है हमारा, क्रॉप टूल लेना है। और यहाँ से हमें जहाँ तक हमें इमेज लेनी है उसको वहाँ तक हमें क्रॉप कर लेना है। फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका क्रॉप हो जाएगा। सेकंड फोटो है, सेकंड फोटो को भी आपको जहाँ से लेना है वहाँ से क्लिक करते हुए इसको आप बढ़ा सकते हैं। और इसको तीसरा भी हम ऐसे ही क्रॉप कर लेते हैं। ये हमारे सब क्रॉप हो चुके हैं। उसके बाद हमें थोड़ा सा इनमें डार्क पन देना होगा, जिससे हम कंट्रोल एम दबाएंगे। और ये कंट्रोल एम दबाने के बाद हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे करेंगे तो थोड़ा डार्क पन आ जाएगा, डार्क पन आएगा, जिससे हमारी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होगी। और ऐसे ही हम इसको डार्क करेंगे कंट्रोल एम दबा के। और ये देखो, ये हमारी, ये देखो फ़ोटो कितनी क्लियर हो गई है। इसको भी कंट्रोल एम करेंगे और इसको भी हल्का सा नीचे कर देंगे, जिससे थोड़ा डार्क से आए और कलर बिल्कुल अच्छा लगे। उसके बाद हम इसको, अगर तुम्हें और साफ़ करना है तो कंट्रोल एल दबा करके थोड़ा हम डार्क यहाँ से भी कर सकते हैं। और थोड़ा चेहरा साफ करना है तो हम यहाँ से इसको हल्का सा यहाँ ऐसा कर सकते हैं। ये देखो आपका, ऐसे ही इस वाले फ़ोटो पे कंट्रोल एल दबाया और यहाँ थोड़ा सा डार्क बन दिया और इधर से थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दिया। तो ये देखो क्लियर, एकदम बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है इस टाइम फोटो। इसको भी कंट्रोल एल कर देना है, इधर से थोड़ा सा डार्क करना है हल्का सा और इधर से थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देनी है। ये देखो तीनों हमारे बेस्ट हो चुके हैं। फिर हमें एक न्यू पेज लेना है, जिसका हम चौड़ाई हम 21 सेंटीमीटर रखेंगे, हाइट हम 9 सेंटीमीटर रखेंगे और रेजोल्यूशन 300 पिक्सल्स का रखेंगे और मोड होगा RGB कलर। और हम इसको ओके कर देंगे। ये हमारा एक पेज तैयार हो गया कप के साइज़ का। इन तीनों को इसी पे ही एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि ये वाला फ़ोटो है हमारा, ये फ़ोटो हमको यहाँ लगा देना है। और इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेना है, इस तरीके से पूरा मिला देना है। आपको सेंटर में रखना होगा। ओहो, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद, वो पहले नहीं कर पाए थे हम, अब यहाँ पे इसको भी ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे और थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देंगे। ये देखो रेड पन आ रहा है ना, इसको हम नीचे ले लेंगे और यहाँ से हम पूरा जूम कर लेंगे, ये राइट कर देंगे। और इसके बाद हमारा तीसरी इमेज है ये वाली, इसको उठाएंगे, इसको यहाँ लगाएंगे, इसको हम बीच में लगा देंगे। थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा हमें कि ये इन तीनों का साइज़ सेम है या नहीं। यहाँ पर लगा दिया है, ये देखो तीनों एडजस्ट हो चुके हैं। इसको हमने थोड़ा सा जूम कर लिया है, इसको हमने, ये इतना बड़ा फ़ोटो था, हमने जैसे था हमने इसको अंदर कर लिया है और ये थोड़ा ऊपर कर दिया, तीनों के सिर सेम हो जाए जिससे। और इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ये घास पूरी आ जाए। और ये हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। तीनों हमारे एडजस्ट हो चुके हैं। और कुछ नहीं करना आपको, सीधा यहाँ पर कंट्रोल पी करना है। आपको सब्लिमेशन प्रिंटर से ही प्रिंट देना है और सब्लिमेशन पेपर लगा कर आपको ऊपर लगाना है कागज। आपको ऊपर प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आपको 0.0 लिख देना है, नीचे भी आपको 0.0 लिख देना है। और यहाँ पे हम प्रिंट पे कमांड पे देंगे, प्रोसीड करेंगे। और यहाँ पे आपका प्रिंटर कौन सा है, एप्सन LI 805 हमारा सब्लिमेशन प्रिंटर है। इसको प्रॉपर्टी पे जाएंगे और एप्सन हमें ये देखना है कौन सा करना है। हमें इस पर एप्सन अल्ट्रा ग्लोसी पे क्लिक करना है और कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे हाई क्लिक करना है। मोर ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हमें मिरर इमेज क्लिक करना है और हाई स्पीड पे चाहे कर सकते हो, आपकी मर्जी है, हटा भी सकते हो। बस ये दो चीज़ याद रखनी है आपको। और यहाँ पे हम A4 साइज़ ले लेते हैं, पेपर A4 का ही होता है।
और इसको हम ओके कर देंगे। और हम यहाँ पे प्रिंटर को हम लगा लेते हैं इसमें। ये देखो, ये सब्लिमेशन पेपर होता है एस रेस, ये आपको प्रिंटर में लगा देना है। आप इसका पूरा पेज आता है फोर साइज का, हम इसको इतना पे ही लगाएंगे। ये हम यहाँ पे लगा देते हैं इसको इसके अंदर, और आप देख सकते हो इसमें आपको खोल के भी चला सकते हो, इसमें स्कैनर नहीं होता है। और हम यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करते ही यहाँ पे हमारा प्रिंट स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे हमारा प्रिंट स्टार्ट हो गया है, ये देखो यहाँ से ये चल गया और वहाँ हमारा प्रिंट कमांड चालू हो गया। ये देखो हमारा फोटो बाहर आ रहा है बिल्कुल, आप देख सकते हो मिरर इमेज होती है ये, आपका उल्टा हमने इसको निकाला है। जैसे आप कुछ लिखोगे तो आपको मिरर इमेज में ही निकालना होगा। ये देखिए तो बिल्कुल क्लियर फोटो आ चुका है। बस अब यही हमारा कप पे लगने को रेडी है। अब इसको हम पहले थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे साइडों से, जिससे कप पे एडजस्ट सही बैठ जाए। ये देखो हमने यहाँ पे कलर से कलर चेक कर लेना है, कोई कट कलर ना निकल जाए बाहर कट के लिए। और यहाँ से हम सीधा इसको वार कर देंगे। ये हमारा पेपर अलग और ये एक साल बिल्कुल ऐसे चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे हम इसको फटाफट। कटिंग करते हुए हम इसको कप पे लगाने के लिए तैयार हैं। ये हमारा चारों तरफ से कटिंग हो चुका है, ये देखो। अब ये हमारे पास में कोई वाइट नहीं है, जो थोड़ा बहुत है वो वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा कप पे। अब ये देखो आप कप पे, आपको दिखा, ये ग्रीन मैजिक कप है और ये हमारा फोटो तैयार है, अभी आपके सामने निकाला था। बस इसको हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है, बस ये हैंडल ध्यान रखना है, ये हैंडल इन दोनों के बीच में आए। इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं हल्का सा घुमा घुमा के, जो हमारा बीच में लगे। ये देखो ये हमारा सेंटर में आ चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से छोड़ देना है और इसको एडजस्ट कर लेना है सीधा सीधा गैप को देखते हुए, और यहाँ से इसको ऐसे चुपका देना। अब चुपकाने के लिए हमें कुछ चाहिए टेप, और वो टेप होती है सब्लिमेशन, ये टेप होती है सब्लिमेशन। हम इसमें नॉर्मल टेप का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप नॉर्मल टेप का यूज करोगे वो जल जाएगी और आपका कप खराब हो जाएगा। और इसका जॉइंट हमारा यहाँ पे है, इस जॉइंट को, ये टेप जलती नहीं है, ये सब्लिमेशन टेप होती है, इसको हम बीच में ही लगाएंगे बस एक साइड। सब्लिमेशन टेप लगा दी है और यहाँ दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं, जिससे ये कागज हमारा इधर उधर नहीं जाए। ये दोनों तरफ हमारी टेप लग चुकी है, फोटो हमने सीधा लगा लिया है, उल्टा तो नहीं लगाया, सीधा है। चलो एक बार हमने देख लिया फोटो सीधा है। उसके बाद हम यहाँ मशीन को ऑन कर लेते हैं, ये मशीन का वायर है, वायर को हम लगा लेते हैं और यहाँ से ऑन कर लेते हैं। इस कप को हम रख देते हैं थोड़ी देर, और यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका, टेम्परेचर रखेंगे 330। ये हमारा टेम्परेचर 330 हो गया, और ये हमारा 350 हो गया, और ये हमारा सेकंड जो है हम इसको एक मिनट का ही टाइम रखेंगे। अभी हमारी मशीन गर्म हो रही है 330 तक के लिए। जब हमारी मशीन गर्म हो जाएगी तो बीप करने लगेगी, देखो बीप दे रही है। अब ये 350 तक जाएगी, ये वाली चीज 350 पे सेट है ना, तो ये 60 सेकंड हो गए आपकी, ये 330 हो चुकी है, तो इसलिए हमारी बीप देने लगी है। तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम इसको हैंडल को
करेंगे, देखो ये हमारा बहुत टाइट हो रहा है तो आप इससे एडजस्ट कर सकते हो इसको ढीला करने के लिए। अभी भी बहुत टाइट है तो आप इसको पहले ढीला कर लीजिए, तभी आपका कप ज़्यादा चटके ना, और उसके बाद आप इसको टाइट कर सकते हो थोड़ा सा। ये हमारा कप टाइट हो चुका है। अब देखो ये दोबारा से टाइम घट गया क्योंकि कप हमारा ठंडा था तो मशीन ठंडी हुई है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये दोबारा 330 पे जाएगा, तब ये बीप करेगा जब हम इसको स्टार्ट कर देंगे। देखो अब ये 330 हो गई है, कप हमारा ठंडा हो गया था ना, अब तो दोबारा से कप हमारा गर्म हो चुका है, तो ये बीप देगी और हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अभी बीप की आवाज़ नहीं आई है, देखो बीप की आवाज़ आई, हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ये देखो अभी हमारा एक मिनट में हमारा कप तैयार हो जाएगा। ये हमारी देखो उल्टी गिनती चल रही है, ये आपको देख रहे हैं 60 सेकंड, 40 सेकंड, अब 40 सेकंड बचा है। अब ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, जैसे ही बंद हो जाएगा हमारा कप रेडी हो जाएगा। इसकी टेप उतार लेंगे और हम आपको जब दिखाते हैं मैजिक कप कैसा बना होगा। ऐसे ही आपको करना होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस, सिंपल है, ज़्यादा काम नहीं करना है इसमें। तब 3, 2, 1, 0, ये हमारा कप रेडी हो चुका है और हम इसको निकालने के लिए तैयार हैं। जैसे बीप की आवाज़ आई है इसे स्टॉप कर लेना है और यहाँ से हैंडल को उठा लेना है और इसको निकाल लेना है बाहर। और ये आप देख सकते हो ये हमारा कप रेडी हुआ है नहीं, पहले एक बार एक तरफ से टेप हटाएंगे हल्का सा और देखेंगे। हाँ परफेक्ट, ये आप देख सकते हो कितना लुकिंग आ रही है कप पे। ये देखो आप क्या है, ये देखो और हम मशीन को यहाँ से बंद कर देते हैं। तो ये देखिए गाइस अब कितना अच्छे से बनके रेडी हुआ है, ये देखिए गरम हो रहा है अभी। तो गाइस कमेंट में बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं हमारे से कमेंट करके, और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।